कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। और ये मैं महसूस करता हूं, मैं ग्रामीण क्षेत्र का ही रहने वाला हूं, मैं जब गांव में जाता हूं तो मैं 2009 में एमपी बना तो किसी घर में जाता था तो मैं देखता था शौचालय नहीं है, मैं देखता था कि राशन का जो अनाज मिलना है उसमें लाइन लगाने के लिए 2 घंटे खराब कर रहा है वो आदमी, और फिर कभी कभी उसको कह दिया जाता था कि तुम्हारा राशन तो कोई और ले गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पोस मशीन की व्यवस्था की और टेक्नोलॉजी का यूज करके जो फर्जीवाड़ा हो रहा था राशन वितरण में वो रोका। और दूसरा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इतनी महत्वपूर्ण योजना जिसकी घोषणा उन्होंने जब 2020 में की 3 महीनों के लिए, उसके बाद कोविड आ गया, कंटिन्यू होती रही, अब तो 5 साल के लिए, अब जो अभी घोषणा की है 24 में, आप देखिए कि 5 साल आगे के लिए ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2024 से 5 साल के लिए ये घोषित हो गई। ऐसी इतनी बड़ी योजना, खाद्यान्न में जो लोग सुबह से लेकर शाम तक अपनी मजदूरी करके खाद्यान्न कमाने में लगे रहते थे, अब जब खाद्यान्न उनको मिल रहा है गरीब लोगों को फ्री में मुफ्त में मोदी जी की दुकान से, तो उनको अपने मकान में कुछ एडिशन करने में जो पैसा बचता है उससे मदद मिलती है, बच्चों को पढ़ाने में मदद मिलती है, बच्चों के कपड़े प्रॉपरली सिलवाने में मदद मिलती है, तो वो गरीबी रेखा से बाहर आ गए। तो इस योजना ने भी, वैसे और सभी योजनाओं ने मदद की है, उज्ज्वला ने मदद की है, शौचालय योजना ने मदद की है, मुद्रा योजना ने मदद की है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने मदद की है, सभी आयुष्मान योजना ने मदद की है, सभी योजनाओं ने मदद की है, लेकिन इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने सबसे ज्यादा एक रोल अदा किया है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है।